नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चमोली उत्तराखंड ऋषिकेश से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों देखो, मेरी जैट के टपारी कुछ खुद से ही प्ले रही है, मतलब देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आपको भी देखने में ठीक ठाक लग रही होगी। तो इस पर तो मैंने काम कर दिया था, इसमें मैंने फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिया था, इसमें भी मैंने गोबर की खाद डाली थी, पूरी मिट्टी निकाली थी बाहर इसकी, क्योंकि ये तो इतना गहरा पॉट नहीं है, सिर्फ ये लंबाई में है थोड़ा बहुत, लेकिन पॉट बिल्कुल भी गहरा नहीं है। तो इसकी मैंने सिर्फ क्या करी थी, मिट्टी ही मिट्टी ऐसे करके बाहर निकाल दी थी और तब इसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया था, और इसमें भी गोबर की खाद डाली थी, बल्कि इसमें राख नहीं डाली अभी, तो अब डालूंगी राख भी। तो चलिए मैं अपने और पौधों में भी कर देती हूँ जो काम। तो देखो मेरे फ्लॉक्स कितने खूबसूरत खिल रहे हैं, और वाइट पिटोनिया के लिए तो मैं सबको बोलूँगी कि वाइट पिटोनिया ज़रूर लाएँ। देखो यहाँ अब मैंने यहाँ पे गेंदे की पौध लगा दिए, यहाँ पे मेरे देसी पिटोनिया लगे हुए थे तो मैंने वो सब हटा दिए, और यहाँ पे ये रेड वाले भी काफ़ी खूबसूरत खिल रहे हैं। चलो साथ साथ यहाँ भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। ये बरबीना मेरे घर के ही थे, और यहाँ ये सब काफ़ी खूबसूरत खिल रहे हैं। ये आइस फ्लावर का ये मतलब पूरे खिल के ख़त्म हो गए हैं। ये फ्लॉक्स भी बहुत खूबसूरत खिल रहा है यहाँ, ये देखो। और फायर क्रैकर्स के तो कहने ही क्या, इतना खिल रहा है, इतना खिल रहा है। कहीं आपको इसकी छोटी सी कटिंग मिल जाए तो ज़रूर लाएं। और ये देखो कितने खूबसूरत लग रही है, भर भर के खिले हैं। दोस्तों ये है गोबर की खाद, आपको ऐसे लग नहीं रही होगी, लेकिन ये मैंने कुछ मतलब ज़्यादा ही सुखा दी है, इतने दिन से धूप में रखी हुई। और ये मिट्टी है, तो ये मतलब जो मैंने इनसे मिट्टी निकाली थी वो वही सुखा दी है मैंने, काफ़ी दिन से सूख रही है। और काफ़ी दिन से मैंने ये अपने जैड में मतलब काम करने की सोच रही थी, तो ऐसे ही रह जा रहा था, तो सोचा आज तो कर ही देती हूँ। तो मैं तो अपने जैड में गोबर की खाद ही डालती हूँ, मेरे जैड तो मतलब उनकी ग्रोथ अच्छी रहती है, हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर आपके जैड की ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही है, तो आप गोबर की खाद के साथ चाय पत्ती और ये मतलब उनके जो तने मतलब अच्छे रहें, आप देख रहे हो कि मेरे जैड के तो तने काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, तो इसे मैं बोनसाई बनाने की सोच रही हूँ। तो आप उसमें कैल्शियम के लिए, क्योंकि कैल्शियम जैसे इंसान की हड्डियों को मजबूत करता है, वैसे इनके तनों को भी काफ़ी स्ट्रांग करता होगा, तो आप उसमें अंडे के छिलके डाल सकते हैं। अंडे के छिलके ना डालें तो चूना डाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि चूना जब भी डालें बहुत कम मात्रा में डालें, वरना प्लांट्स को नुकसान भी हो सकता है। और आप चौक डाल सकते हैं, चौक बहुत ही सस्ती आती है, तो आप वो डाल सकते हैं। तो मैं तो इनमें ये डालूंगी, और गोबर की खाद में अब ये मिट्टी मिला देते हैं। और यहाँ पे ये मेरे बोनसाई है, तो आपको बोनसाई में देखो अब इनकी नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है ना, ये सब हटा देने हैं यहाँ से। ये देखो मैं हटाती रहती हूँ वैसे टाइम टू टाइम, और अभी मुझे इसको थोड़ा शेप में भी देना है, तो इसकी जो ये एक्स्ट्रा पत्तियाँ आती हैं ना, वो हमें सब हटा देनी चाहिए। ये देखो यहाँ से आ रही है, ये काफ़ी बड़ी है तो इसकी कटिंग लग जाएगी, ये भी थोड़ा बड़ी है तो इसकी कटिंग लग जाएगी। तो जैट एक पत्ती से भी हो जाता है, इतनी छोटी सी कटिंग से भी हो जाता है। तो चलिए डाल देते हैं, यहाँ पे गोबर की खाद और मिट्टी मैंने मिक्स कर दी है, इस तरह से इनमें डाल देते हैं, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देंगे। दोस्तों जैट एक बहुत ही रफ टफ प्लांट है, आप इसे कभी भी लगा दें, इसकी कटिंग कभी भी हो जाता है, और इससे कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो साल में एक बार मतलब इस तरह से इसमें खाद डाल देती हूँ गोबर की, उसके बाद मैं देखती हूँ कि प्लांट मतलब अच्छी ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी उसमें मतलब थोड़ा कोई लिक्विड डाल देती हूँ गोबर की खाद का। नहीं तो मतलब साल में जो एक बार मैंने डाल दिया इसमें, ये जो अभी मैं फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ गोबर की खाद का, वही इसके लिए काफ़ी होता है। और ये छोटे छोटे पॉट में भी हो जाता है, बड़े पॉट में लगाओगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, और छोटे छोटे पॉट में लगाओगे तो छोटा ही रहेगा। तो छोटी कटिंग लगा रहे हो तो छोटे पॉट में लगाएं, अगर प्लांट बड़ा है तो तब तो उससे बड़ा पॉट चाहिए ही होगा। इस तरह से इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स आ रही हैं उनको सबको मैं हटा देती हूँ। दोस्तों इस तरह से आप भी डाल सकते हैं। और मैंने अपने यहाँ पे सारे जेट, ये देखो ये भी सारे जेट। दोस्तों ये राख है, मैंने इसे घोल लिया है। आप कोई फंजीसाइड डालना चाहते हैं या हल्दी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, तो जो आप केमिकल फंजीसाइड यूज़ करते होंगे। मेरे पास इस टाइम पे राख बहुत आ गई है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इनमें राख भी डाल देती हूँ घोल के। वैसे तो ऐसे सूखे भी मिला देते तो कोई वो नहीं था। और जो इनकी कटिंग मतलब वो मैंने तोड़े थे ना, वो सब कटिंग्स लगा दिए इधर, यहाँ पे भी ये लगा दिए देखो।
दोस्तों, अगर आप जेड को मतलब ऐसे बॉन्जाई का सेप देना चाहते हैं तो वायरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इसके तने ऐसे ही आ रहे थे तो ऐसे ही कर दिया। मुझे अभी वैसे बॉन्जाई का कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये बन जाए, क्योंकि तना तो इसका काफ़ी अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा। तो जो बॉन्जाई होते हैं उनके तने ही मतलब देखने में इतने खूबसूरत होते हैं, तो मतलब उनकी खूबसूरती उनके तने ही बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह आप भी ये सब फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जो जो भी मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि मैं गोबर की खाद ही डालती हूँ तो इसलिए मैंने आपको वही बताया है। और प्लांट्स में डालती हूँ मैं और चीज़ों का, जो फूल वाले पौधे होते हैं, लेकिन जो मेरे इस तरह के प्लांट्स होते हैं जैसे ये जिनमें मतलब फूल नहीं आते, पत्ती पत्ती वाले ही होते हैं जो, तो उनमें मैं गोबर की खाद ही डालती हूँ अधिकतर। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।